दोस्तों, कहानी का नाम है जिम्मेदारी किसकी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रेखा फटाफट रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। वो आलू भिंडी की सूखी सब्जी और दाल चावल बना चुकी थी। अभी वह कढ़ी बना रही थी और रोटियाँ बनाना अभी बाकी था। हॉल में उसका 6 महीने का बेटा हर्ष खिलौने बिखेर कर खेल रहा था। रेखा की एक नज़र रसोई के काम पर थी और एक नज़र अपने बेटे पर। माँ बन जाने के बाद औरत चाहे कोई भी काम करती रहे, उसका एक ध्यान हमेशा अपने बच्चे पर लगा ही रहता है। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी क्योंकि आज उसकी सासू माँ मधु जी गाँव से आ रही थी। उसके पति विशाल माँ को लाने के लिए स्टेशन गए हुए थे। थोड़ी ही देर में मधु जी भी आ गई। रेखा फटाफट रसोई से बाहर आकर उनके पैर छूने लगी। मधु जी ने अपनी बहू रेखा को गले से लगा लिया। फिर नहा धोकर चाय नाश्ते के बाद वो अपने पोते हर्ष के साथ खेलने लगी। रेखा के पति विशाल ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह मोबाइल लेकर बैठा हुआ था। रेखा फटाफट रोटियां बना रही थी। थोड़ी देर में लंच तैयार हो गया तो सब ने साथ मिलकर लंच किया। लंच के बाद मधु जी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई कि तभी विशाल के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मधु जी चौंक गई और भागकर हॉल में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि रेखा आंखों में आंसू लिए हुए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी और विशाल चिल्लाते हुए बोल रहा था, किसी काम की नहीं तुम, तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभलता। मधु जी ने विशाल को शांत कराते हुए कहा, बेटा इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, पहले मुझे ये बताओ कि बात क्या है। विशाल ने गुस्से में उफनते हुए कहा, मम्मी ये रेखा बहुत ही लापरवाह है, देखो ना हर्ष खेलते खेलते दरवाजे के बाहर चला गया था। अगर यह सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर जाता तो कितनी चोट लग जाती। मधु जी ने रेखा से पूछा, तुम कहाँ थी उस समय जब हर्ष यहाँ खेल रहा था। रेखा ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी मैं तो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। फिर मधु जी ने विशाल की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए पूछा, और तुम कहाँ थे। विशाल ने झट से कहा, मम्मी मैं तो अपने कमरे में आराम करने चला गया था। अच्छा, और दरवाजा कैसे खुला रह गया था, मधु जी ने फिर पूछा। अब विशाल झेपते हुए बोला, वो मम्मी लगता है गलती से मुझसे ही दरवाजा खुला रह गया था। मधु जी ने विशाल को समझाते हुए कहा, देखो बेटा बच्चा सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं है, जब तक वह काम कर रही थी तब तक तुम भी तो हर्ष को संभाल सकते थे ना। वह अकेले एक साथ इतने सारे काम कैसे संभालेगी, छोटे बच्चे तो चंचल होते ही हैं, ऐसे में उन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। तुमने बड़ी आसानी से रेखा को लापरवाह बता दिया, लेकिन क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे पता है कि अकेले घर का काम और बच्चे संभालना कितना मुश्किल काम होता है। जब तुम ऑफिस जाते होगे तब तो ये किसी तरह अकेले ही सब कुछ करती होगी। कम से कम जब तुम घर में रहते हो तब तो तुम्हें बच्चे को संभाल लेना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर विशाल शर्मिंदा हो गया। उसे याद आने लगा कितनी बार रेखा ने दबी जुबान से उससे कहा भी था कि थोड़ी देर बच्चे को देख लो, लेकिन वो हमेशा थकान की बात बोलकर निकल लेता था। आज उसे भी लग रहा था कि माँ सच कह रही थी। उसे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने झट से अपनी माँ और रेखा से माफी मांगते हुए कहा, आप सही कर रही हैं, रेखा तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम तो काम में लगी हुई थी, मैं तो खाली था, मुझे बच्चे को देखना चाहिए था। आज से मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, क्योंकि बच्चा तो मेरा भी है ना, क्या आप दोनों मुझे माफ करोगी। रेखा की आंखों में खुशियों के आंसू छलक उठे। रेखा ने अपनी सास मधु जी को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने तो आते ही मेरी तकलीफ समझ ली। मधु जी ने प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं माँ हूं ना, और माँ तो बच्चों की सारी तकलीफ ऐसे ही समझ जाती है। उस दिन के बाद से विशाल भी हर्ष को संभालने में मदद करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। क्या आपके घर में भी माता और पिता दोनों बच्चों को संभालने में बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।